गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में स्पिनी कार्ड का एकदम टेस्टी चटनी मिलेगा आपको। आइए चलते हैं आज के इस मजेदार रेसिपी की तरफ। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो गाइस, इसे हिंदी में कोकड़ा भी कहते हैं। ये सब्जी में आता है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिखता है और उतना ही अच्छा इसका टेस्टी सब्जी और चटनी भी होता है। तो इसको मैंने गैस पे इसको रोस्ट कर लिया अच्छे से, मीडियम फ्लेम करके मैंने पकाया कि अच्छे से पक जाए, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन इसको आप लो और मीडियम करके पकाओगे तो पक जाएगा। उसके बाद चार हरा मिर्च लिया है मैंने, तो इसको भी गैस पे पका लेंगे। और ये रहा लहसुन का कलिया, जो मैंने 7-8 छुड़ा के रखा हुआ था वो पका लिया। तो यहाँ मिर्चा और मतलब कि तीनों पका के मैंने रख लिया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से रोस्ट किया है मैंने, एकदम कच्चा नहीं है, बहुत अच्छे से किया है मैंने, तीनों को करके रख लिया है। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो मिक्सर में आप ये तीनों और नमक, पहले इसको इसके ऊपर का स्किन हटा देते हैं। तो अगर इसको आप धोना चाहो तो धो सकते हो, लेकिन मैंने नहीं धोया कि कभी भी चटनी वगैरह होता है तो उसका स्मोकी फ्लेवर ख़त्म हो जाता है धो देने से, जिसको आप रोस्ट करके बनाते हो। तो इस वजह से मैंने नहीं धोया, आपको मन करे तो धो सकते हो। तो आप देख सकते हैं एकदम साफ़ से मैंने इसके ऊपर का स्किन एकदम पूरा हटा दिया और उसके बाद इसको ग्राइंड कर लिया है। तो बस मैंने थोड़ा सा ग्राइंड किया है, आप देख सकते हैं। और ये इस स्टाइल से बिहार में बहुत अच्छे से चटनी बनाते हैं, तो आप ये ज़रूर ट्राई करना और एक बार ज़रूर बनाना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी भी लगता है। चावल रोटी किसी चीज़ से खाओ आप।